पीड़ित राजेंद्र कुमार ने लगाया चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी पर अभद्रता करने का आरोप, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आज कलेक्ट्रेट में चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी के खिलाफ शिकायती पत्र लेकर आए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह के साथ पीड़ित राजेंद्र कुमार पुत्र श्री खेम सिंह गाँव फूलपुर मझरा तहसील हसनपुर। पूछताछ करने पर पीड़ित राजेंद्र कुमार ने बताया कि हमारे गाँव में ग्राम प्रधान श्रीमती राजपाली के घर पर चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी नितिन चौहान जमीन की पैमाइश के संबंध में आए और ग्रामवासियों के साथ खुली बैठक की, जिसमें ग्रामवासियों ने चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी के सामने अपनी समस्या बताते हुए अधिकारी से गुजारिश की, कहा कि फिलहाल पैमाइश ना की जाए क्योंकि किसानों की फसल को नुकसान होगा तथा किसानों को बहुत हानि पहुंचेगी, आपस में बहुत विवाद होंगे। इतना ही सुनकर चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी नितिन चौहान ने किसान राजेंद्र पुत्र खेम सिंह को खुली धमकी देकर दुरुपयोग करते हुए कहा कि मैं पैमाइश करूंगा तो कितना बड़ा गुंडा है मैं देखता हूं, तुम्हारे गन्ने के खेत में ट्रैक्टर चलवा दूंगा। पता चल जाएगा तुझे, है ना? हम तेरी जब सुन रहे हैं तेरी जनता की, तू माफिया बनेगा, भूसा भर देंगे सारे भूसा, यही अभी चार कागज फाड़ देंगे, जमानत नहीं होने देंगे और जेल के अंदर भी गोली से मरवा दूंगा, ये मत सोचू। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र कुमार जी। आज कलेक्टेड आना हुआ है, क्या मामला? सर कल हमारे गांव में अमरोहा चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी पहुंचे थे, वहां प्रधान के यहाँ उन्होंने खुली मीटिंग ली, उसमें किसानों ने अपनी समस्या रखी, किसानों की फसलें बहुत हानि पहुंच रही थी, तो इतने अधिकारी आग बबूला हो गए और कहने लगे साले तू बहुत बड़ा गुंडा बनना है तुझे, जो किससे कहा ये बात? ये एसओसी चकबंदी बंदोबस्त अधिकारी ने। क्या नाम होगा? नितिन चौहान जी। मुझसे कहने लगे मैं नितिन चौहान हूँ, मेरे चार विधायक हैं और तुझे तारे तेरे खाल में भूसा भरवा दूंगा और तुझे चार कागज सरकारी फाड़ के तेरे जेल में डलवा दूंगा, तेरे खिलाफ मुकदमा लगवा दूंगा, जेल में जमानत नहीं होने दूंगा, तुझे जेल में गोली मरवा दूंगा। अन्यथा ऐसे अधिकारी से किसान क्या अपने न्याय मांग सकते हैं, न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? क्या चाहते हैं आप? हम भी चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, ऐसे अधिकारी को बर्खास्त किया जाए, अच्छे अधिकारी की जरूरत है जी। सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह जी। बताइए आज जो कलेक्टेड आना हुआ, क्या मामला? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन असली। आज हम जो गंगेश्वरी में जो किसान के साथ अभद्रता बंदोबस्त अधिकारी ने करी है, किसान कहीं का हो हमारा है और किसान यूनियन का सदस्य है, उसे जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम शांत नहीं बैठेंगे। और अगर यही अभद्रता किसान की तरफ से हुई होती तो अब तक फोर्स और सब दुनिया भर की FIR सारे काम हो जाते। भाई है तो हम भी इस देश के नागरिक हैं, वो भी इसी देश के नागरिक हैं, कुर्सी का अंतर थोड़ी है, कुर्सी थोड़ी चलेगी कानून में, कानून अपना काम करे, जब तक कानून अपना काम नहीं करेगा हम शांत नहीं बैठेंगे।